हेलो एवरीवन, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और गौ माता बुला रही थी कि वो बच्चे पटाखे छुड़ा रहे थे ना, तो इसको डर लग रहा था। और भाई पूजा पाठ करके अब रात को कम से कम 11:15 का टाइम हो गया, अब सुलटे हैं। आज दीपावली पूजन किया था और बस बनाने खाने में भाई टाइम लग गया, तो बनाए। और ये भाई डेकोरेशन की हुई है दीपावली पर, बच्चे बच्चे खा रहे, बजा रहे हैं पटाखे। और आज खाने में बनाया था खीर, हलवा, पूरी और छोले की सब्जी और मिठाइयाँ। तो हलवा में तो स्पेशल बनते ही हैं और खीर बनती है, भोग लगता है। बाहर बजा रहे हैं पटाखे, अनार छुड़ा रहे हैं। और बच्चे भी कम से कम ना 11 बजे का ये टाइम है, दिए वगैरह भी बेचारे शाम से जल रहे थे, बंद हो गए हैं। तो ये देखो जो दरवाजे पे लगाते हैं चोरक लग जी, वो भी और रंगोली वगैरह सभी हट गई थी। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखो अंदर तो बिल्कुल सारे दिए वगैरह हो गए। और हम पशुओं के पास बैठे हुए थे, सर बैठे थे गाय के पास और मैं बैठी थी भैंसों के पास, क्योंकि ये पटाखे जो छूट रहे थे ना, तो पशु परेशान हो रहे थे इससे। तो इस वजह से मैं आपके साथ में भाई खाने की वीडियो भी नहीं डाल पाई थी। और अब जैसे मैं फ्री हुई हूँ, थोड़े से पटाखे अब कम हो गए हैं, तो अभी मैं सोचा कि चलो अब ये करती हूँ। पर हमारे तो बच्चा अब बता रहा है ना, मान प्रारंभ कर रहा है ये तक कान भै भै कर रहा है, हल्के ही छुटाते हैं ज़्यादा पत्ती वाला ना छुटाते हैं। अब कहीं कहना चाहिए यार, ये इससे थोड़ा सा खो बजाए वो अभी देखते हैं। अब मना तो कर रही हूँ कि भाई यहाँ भारी मत छुटाना, क्योंकि ये मत जड़ा दी भाई, आस पड़ोस में छोटा बच्चा से तो बढ़ रहे और पशु भी परेशान नहीं, पशु भी डर रहे हैं। तो इस वजह से और ये बड़ा सारा खेत में छुटा ही बड़ा सारा दिया इकट्ठा कर रखा है पटाखा सारा वो कर दिया। और गाय चिंगल लग रही है, आस पास का बच्चा भी, इनका साथ का बच्चा भी आया, दिया की पैर है ना, काम कर दी थी सारा। अब मेरा बर्तन वगैरह का सारा काम खत्म हो गया है। और ये दिखा रही हूँ, देखो भाई अब हम बना रहे हैं यहाँ काजल। दीपावली पूजन के बाद में है ना, जब सारा काम निमट जाता है, तो हमारे ऐसे ही बड़े बुजुर्ग स्याही बना हुए से जो पूरी साल हम यूज करा सा। और ये सुबह बजा रहा है बम पटाखा खेत के अंदर, सुबह ना बजा रहा था ये भैंस चर है सूरा के ताई। कल रात ने पापा ने घर ना छुटान दिया के भैंस डरे गाय डरे, तो आज जब ये खेत में वो कर रहा है ए मालता। और अब आ गई खेत में, क्योंकि गाय की तबीयत ढीली है, पता नहीं वो ये पटाखों के शोर से डर गई या कुछ वैसे। एक बार आ जाओ रानी, काम है। तो मैं थोड़ी सी घास लेके जाऊंगी, थोड़ी सी यहाँ से भाई देखती हूँ। और इसमें ना छोटी छोटी तितलियाँ हैं, बहुत ज्यादा ये दिखा रही हूँ। और इसमें ना बहुत छोटी छोटी और तितली भी बह रही है ना, जिस दिन श्याम ने आया तो ऐसे घूमने लाग रही। मगर भाई पसंद आओ तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करियो।